My friends, my name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info. By the way, today my topic is employment pass in Singapore. आज का एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कि किसी ने पूछा था, काफ़ी सवाल थे कि सर मैं सिंगापुर में पढ़ाई कर लूँ और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाएगा मुझे। देखो यार, मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि किस आदमी को एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और 99% गारंटी है उसको एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा। लेकिन जो कौन सी पढ़ाई है, मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इसमें पढ़ाई करके आप एम्प्लॉयमेंट पास अच्छी खासी सैलरी $4,000 ले सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, ठीक है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं सिंगापुर में और कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं, इसको भी देख लेना, समझ लेना कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, ढंग से देख लेना। और अगर आप एस पास के ऊपर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, इधर देख लेना मेरे चैनल पर एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। बहुत सारी वीडियो सिंगापुर से रिलेटेड हैं। अगर आप सिंगापुर में काम करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, थोड़ी नॉलेज मैंने अपने व्यूज़ जो शेयर कर रखे हैं, आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और सो स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, एम्प्लॉयमेंट पास लेना है सिंगापुर में जिसकी सैलरी 4,000 से ऊपर होती है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट पास मोस्ट प्रोबेबली आईटी पीपल्स को या जो मेडिकल फील्ड में उनको ही मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। मैं मैनेजमेंट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रेशियो कम है, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर जिसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और इन आईटी सेक्टर्स, उसको एम्प्लॉयमेंट पास सिंगापुर में बहुत आराम से मिल जाता है अगर आपके पास हाईली स्किल्ड है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं सिंगापुर में कोई बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री, अब वो कौन से कॉलेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, जरा ढंग से सुना। यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS। अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और कुछ मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो आपको एम्प्लॉयमेंट पास बहुत ज़्यादा चांस है। और यहाँ से भी अदर कंट्री में आपकी एब्रॉड हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दूसरा कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेशनल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसे बोलते हैं NTU, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सिंगापुर की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इसमें बैचलर ऑफ मास्टर्स करते हैं, आपका बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी स्किल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स कर रहे हैं और आईटी फील्ड में कर रहे हैं या हेल्थ केयर में कर रहे हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका बहुत अच्छा करियर है। पहली यूनिवर्सिटी NUS, दूसरी NTU, तीसरी जो बताया SIM, इस अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिम जिसे बोलते हैं, और जो एक और है JCU, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया से है, सिंगापुर में कैंपस है, अच्छी खासी आपको प्लेसमेंट भी मिल जाती है अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं IT कर। मीन्स कुछ आयर आजकल की दुनिया में उसी की डिमांड है जिसको कुछ काम आता है। अगर आपको खाना बनाने का काम आता है, आपको खाने की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और खाने की जॉब आप देख रहे हैं, मीन्स शेफ़ की देख रहे हैं, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो कुल मिला के एक समरी ये है कि जिस भी फील्ड में आप, उस फील्ड का काम आपको आना चाहिए। अगर आप पेंटिंग में हैं तो पेंटिंग आर्टिस्ट, आपको पेंटिंग अच्छी आनी चाहिए, कुल मिला के ये है। अगर आप फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी में, तो आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए। अगर हेयर ड्रेसर है, आपके पास डिप्लोमा है या ब्यूटी सैलून डिप्लोमा है, लेकिन आपको आना चाहिए काम, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो इसमें आप, मैं बता रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट पास पूछा था किसी ने कि सर मैंने पढ़ाई कर रखी है, क्या एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाएगा, और सिंगापुर में जो पढ़ाई कर रहा हूं उस पर एम्प्लॉयमेंट पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बता रहा हूं, अगर आप NUS, NTU, SIM, SMU, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज से, ये चार यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है सिंगापुर में, बहुत गवर्नमेंट से जो चलती है, ठीक है। SIM प्राइवेट है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। अगर आप इसमें पढ़ाई करते हैं, आपका 99% आपका एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पढ़ाई में आपको आना भी चाहिए, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट पास आईटी सेक्टर्स या मेडिसिन, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट में बहुत थोड़ा कम रेशियो होता है, लेकिन मिल जाता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई ग्रेजुएट हैं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिंगापुर में जॉब लेने के, क्योंकि आपकी यहीं से प्लेसमेंट हो जाएगी अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। कैसी लगी मुझे वीडियो बता देना यार कमेंट्स में, ठीक है। जितना भी मुझे नॉलेज है मैं शेयर करता रहता हूँ और मैं गैदरिंग करता नॉलेज कहीं ना कहीं से देखता रहता हूँ, फिर उस आपको वीडियो के सामने शेयर करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट्स में उसकी, अगर रिप्लाई करूँगा तो करूँगा, नहीं तो वीडियो बना के आपका अगली वीडियो में आंसर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।